हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज यानी 11 जून 2021 को आज मैंने डीएवी कॉलेज जलंधर के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया और हमारे यहाँ जो सेंट्रल सेस फैसिलिटी में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे यहाँ मशीनें हैं, जैसे कि एक्सरे डायफ्रैक्शन है XRD और फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट PPMS है, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी XPS है और स्मॉल एंगल एक्सेस स्कैटरिंग SAXS है, तो उन चारों फैसिलिटीज के बारे में हमने पहले प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद उन वीडियो कॉल से उन फैसिलिटीज को स्टूडेंट्स को दिखाया, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया। तो तीन फैसिलिटीज के बारे में तो मैंने खुद ही एक्सप्लेन किया, जिसमें XRD, SAXS और PPMS था, और एक फैसिलिटी जो XPS को, वो एक डॉक्टर कपिल सूद हैं, ये हिमाचल में एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मेरे जानकार हैं, दोस्त हैं, तो उन्होंने XPS के बारे में एक्सप्लेन किया और बाकी तीन फैसिलिटीज के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में ज़्यादा अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाई नहीं जाती है, तो मुझे पता था कि स्टूडेंट्स इतना, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बताते हैं वो थोड़ा अप्लाइड फिजिक्स हो जाता है और जो हम कॉलेज में पढ़ाते हैं वो थोड़ा बेसिक फिजिक्स होता है, थ्योरेटिकल हो जाता है, तो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस नहीं पूछे, तो मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट्स को समझ में आया कि नहीं आया, बट अगर उनमें से इतने सारे स्टूडेंट्स में एक दो स्टूडेंट भी अगर रिसर्च के लिए मोटिवेट हो जाते हैं तो मैं मानूंगा कि जो जो हमारा एक प्रयास था इन फैसिलिटीज़ के बारे में बताने का, वो उनको मैं सफल मानूंगा। तो और हम मैं मतलब चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी, कि मतलब थोड़ा रिसर्च का एनवायरनमेंट बने, जैसे कि मैं अपनी अगर बताऊँ तो मास्टर डिग्री हमारी जब MSc तक कुछ ज़्यादा हमें रिसर्च के बारे में बताया नहीं गया था, मतलब हम, मुझे याद है मैं MSc में भी हम ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो एक्सपेरिमेंट इतने पुराने थे, जो बहुत सालों पुराने एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, एकदम इंस्ट्रूमेंट भी मतलब गांधी जी के ज़माने के थे, मुश्किल से वो चलते थे, किसी को ऐसे तैसे करके बच्चे रीडिंग लेके और वो फाइल बना के दे देते थे, बट मैं चाहता हूँ कि अब वक्त बदलना चाहिए और अभी थोड़ा यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में अच्छे से थोड़ा अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाना चाहिए, थोड़ा इंडस्ट्री लेवल का पढ़ाना चाहिए, ताकि MSc करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद भी थोड़ा स्टूडेंट्स अपने आप को फील करें कि वो इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स वो फील नहीं कर पाते। जैसे IIT जैसे कॉलेजेस को छोड़ दीजिए, IIT में जो पढ़ाई होती है वहां से पढ़ने के बाद बच्चों को फील होता है यस दे कैन वर्क फॉर द इंडस्ट्री, लेकिन हमारे जो नॉर्मल जो कॉलेजेस होते हैं, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पर जो थोड़ा बहुत बेसिक साइंस ही पढ़ाते हैं, थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं, एक्सपेरिमेंट पे बहुत कम फोकस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है और उस एक्सपोजर ना मिलने की वजह से वो एक मतलब इंडस्ट्री एम्प्लॉय रेडी नहीं हो पाते, इंडस्ट्री में वो उनके पास ऐसी कोई स्किल ही नहीं होती है जिसे वो इंडस्ट्री में जॉब कर पाए। तो अगर मेरी इस वीडियो को कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो इस दिशा में काम कर सके, कोई ऐसा ऑफिसर, जो कि मैं चाहूंगा कि हमारे क्यूरिकुलम ऐसा चेंज हो और कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में बच्चों को थोड़ा इंडस्ट्री लेवल का कोर्सेज पढ़ाए जाएं, ताकि बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद भी इंडस्ट्री में जॉब करने के लायक हों और पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद, MSc करने के बाद भी वो एक इंडस्ट्री लेवल पर जॉब कर पाए, और थोड़ा एक्सपोजर भी मिलना चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को, IITs के साथ, IIT, CTIF और फॉरेन कॉलेज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ भी कोलैबोरेशन करना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक रूसा राष्ट्रीय उद्यान शिक्षा अभियान ऐसा कुछ था, उसमें रूसा जो प्रोजेक्ट था उसके में उसको फंड मिला था और उस बाहर की किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से उनका कोलैबोरेशन हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का काफ़ी रिसर्च का जो काफ़ी आउटपुट बढ़ेगा, मुझे उम्मीद है, तो मैं चाहता हूँ दूसरे कॉलेज, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को भी इसी तरह से फंडिंग मिले और दूसरे कॉलेज में भी इसी तरह से इंडस्ट्री लेवल की रिसर्च हो और मतलब स्टूडेंट्स MSc करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद भी इंडस्ट्री में जॉब पा सकें, TCS, विप्रो ऐसी कंपनी में जाके जॉब कर सके, मैं चाहता हूँ इस तरह के करिकुलम, ऐसी इस तरह के टीचिंग हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए। मैं स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ इस चीज़ का, मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो हमने जो फेस किया था आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले जब मैंने MSc किया था, मुझे याद है कि ऐसे कोई स्किल नहीं थी जिससे हम जॉब कर सके अदर देन टीचिंग,
टीचिंग के अलावा और कोई ऐसी जॉब मुझे नहीं लगता उस लेवल पे हम कर सकते थे, लेकिन जब आईआईटी में जाने के बाद थोड़ा एक्सपोजर मिला, इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने को मिला, एक नई नई स्किल सीखने को मिली भाई। अब ये जो हम आज XRD PPMS XPS SAXS और SCM TEM कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आज मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, तो वो क्यों क्यों क्योंकि आईआईटी जैसे कॉलेज में एक एक्सपोजर मिला। तो मैं अपील करूंगा कि जो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स है वो कोलाबरेट करें आईआईटीज के साथ, आईएससी टीएफ और ऐसे इंस्टीट्यूट का अपने बच्चों को प्रोजेक्ट के लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए भेजें और उन बच्चों को एक कैपेबल बनाएं। ऐसा नहीं सिर्फ डिग्री दे दी और उनको निकाल दिया, नहीं, उनको कैपेबल बनाएं ताकि वो एक इंडस्ट्री में जॉब कर सकें। तो ठीक है, आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। कई दिन हो गए हैं व्लॉग शूट किए, तो जल्दी ही मैं व्लॉग शूट करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।